हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। आपको एक असाइनमेंट दिया था मैंने, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट सॉल्व किया लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं या तो उनको शायद प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। तो बच्चों ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, ये प्रॉब्लम जब तक आप सॉल्व करना नहीं सीखेंगे आप प्रैक्टिकल के अंदर भी नहीं कर पाओगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और थ्योरी के अंदर भी इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के अंदर ही नहीं बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से आपका जो है वो बिल्कुल भी भला नहीं होगा। बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना सीख ले ताकि आगे आपको जो है वो कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 11 समझाने के लिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आपको गिवन है एक HNO3 का सॉल्यूशन है और इस HNO3 के सॉल्यूशन पे 69% बाय मास जो है ये लिक्विड है। आपने इसमें से सॉल्यूशन निकाला किसी बीकर के अंदर और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको पता करनी है, कितना सॉल्यूशन हम इस बॉटल में से निकाल रहे हैं इस बीकर में कि इसके अंदर 23 ग्राम HNO3 प्रेजेंट हो। तो देखो बच्चों, हमें गिवन जो है वो दे रखी कंसंट्रेशन, जो बॉटल के अंदर एसिड है इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है और ये कंसंट्रेशन है W upon W परसेंटेज। 69% बाय मास का मतलब हो गया 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन का वेट दे रखा है इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम और यहां पर क्वेश्चन में हमसे निकलवाई जा रही है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी कंटेनिंग 23 ग्राम HNO3। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें जो है वो डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, दैट इज 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, यहां से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का था 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाती है 70.92। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट था 70.92 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। ये वॉल्यूम पता चल गई, अब ये प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हो गई। अगर इतनी वॉल्यूम में इतना ग्राम HNO3 है तो 23 ग्राम कितनी वॉल्यूम में होगा, तो निकाल लो अब इसको। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बन जाती है। अब तो इसको हम लिखेंगे 69 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 70.92 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 70.92 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम HNO3 कितने में होगा और 23 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 70.92 डिवाइडेड बाय 69 इनटू 23। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.92 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 4 12, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारा आंसर 23.64 mm ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम। इसके बाद अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दी थी और उस एक प्रॉब्लम से मैंने तुम्हें वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करके दिखाया था। अब वो प्रॉब्लम जो थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी थी। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम इन यूनिट्स को जो हमने पिछले बार मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन जो पढ़े थे उनको हम इंटरचेंज करना, कन्वर्ट करना। जैसे मोलैरिटी गिवन है और हमसे पूछ लिया जाए मोलैरिटी क्या होगी, या मोलैरिटी गिवन है नॉर्मैलिटी पूछ ली जाए, या मोल फ्रैक्शन गिवन है मोलैरिटी पूछ ली जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले एक क्वेश्चन जो है ये देखते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2।
ये मूल फ्रैक्शन दे दिया गया, हमें ये बतानी है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, और मोलैलिटी जो है ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो दे दिया इसे 0.2, और आपसे पूछ रहा है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बताओ कितनी होगी। तो एक मेथड को दूसरे मेथड में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, यहां पर देखो। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो सॉल्यूशन बनाई है यूरिया वाली, इसमें मोल फ्रैक्शन यूरिया का कैसे लिखा जाएगा? XA is equal to NA upon NA plus NB। A यहां पर हमारा यूरिया है और B यहां पर है वाटर। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमें कितना दे रखा है? 0.2। तो मैं इस 0.2 को ऐसे लिख लेता हूं, 0.2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका ये मतलब हुआ NA की वैल्यू तो आ गई 0.2 और NA plus NB की वैल्यू आ गई 1। NA की वैल्यू 0.2 है तो NB की वैल्यू यहां पर मैं निकाल सकता हूं, NB is equal to 1 minus 0.2, it will come out to be 0.8। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी की डेफिनेशन। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये डेफिनेशन होती है मोलैलिटी की। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां पर क्या है? यूरिया, क्योंकि यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कम है और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, इसलिए ये सॉल्यूट हो गया। अब देखो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है, लेकिन मुझे यहां पर क्या चाहिए? मुझे वाटर का वेट चाहिए, वो भी किलोग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स से वेट कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना आया? 0.8। गिवन वेट मुझे कैलकुलेट करना है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो गिवन वेट कितना आ गया? 0.8 × 18। तो 0.8 × 18 करोगे कितना आ जाएगा? 144। तो ये आ जाएगा 14.4 ग्राम। ग्राम में आ गया वेट वाटर का जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, लेकिन मुझे यहां पर वेट चाहिए किलोग्राम में। तो वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 0.0144 किलोग्राम। तो वेट पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो तो मोलैलिटी आ जाएगी इस सॉल्यूशन की। मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.0144। इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 13.8 मोलर। तो ये हो गई मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विच इज हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.2। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलैरिटी पूछ रहा है, पहले तो आप डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन से मतलब निकालो कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है, और ये फाइंड आउट करो कि आपको निकालना क्या है। निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है ये डिसाइड कर लो। वो चीजें गिवन वैल्यू से कैसे आएंगी वो निकालने के बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये हो गई एक प्रॉब्लम। अब एक इसी की जस्ट उल्टी प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिसमें हमें मोलैलिटी गिवन और मोल फ्रैक्शन निकालना। यहां तो हमने निकाला, मोलैलिटी निकाली, मोल फ्रैक्शन गिवन था। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये प्रॉब्लम नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसके अंदर हमें मोलैलिटी गिवन है और मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 11.11। हमसे पूछा गया व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें गिवन है। पहली बात, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है तो हमने ये मान लिया कि ये हमारा कोई भी एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट का यहां पर नाम गिवन नहीं है और बी हमारा यहां पर सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, तो इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन बन गई। इस एक्वस सॉल्यूशन की मोलैलिटी, अभी मोलैलिटी की डेफिनेशन आपको बताई थी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी आपको गिवन है 11.11। इसका ये मतलब हुआ कि एक किलोग्राम सॉल्वेंट में 11.11 मोल्स प्रेजेंट है इस सॉल्यूट के, तो दिस मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ये गिवन है आपको। आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं सॉल्यूट जो है वो ए है हमारा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि डेफिनेशन जो है मोलैलिटी की वो यही कहती है। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना है, क्या होगा, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इसके लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पता होना चाहिए। गिवन वेट आपको कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं ग्राम में क्योंकि यहां पर मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट लिया था वाटर, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 55.55। तो इतने मोल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। तो आपको एन ए पता है, एन बी पता है और आपसे पूछा गया है इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताइए कितना होगा। तो आप यहां पर फॉर्मूला लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए 11.11 दे रखा है डिवाइडेड बाय 55.55। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 11.11 डिवाइडेड बाय 66.66 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो मोल फ्रैक्शन आ गया ए का 1/6। और अगर कोई पूछे वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इस सॉल्यूशन में, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 - xA दैट इज इक्वल टू 1 - 1/6 5/6। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी जो गिवन है उससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों एक प्रॉब्लम बता देता हूं आपको जिसमें नॉर्मैलिटी की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करी जाती है। तो अब हम नॉर्मैलिटी, कल हमने पढ़ा था ये एक मेथड होता है टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, और इसकी डेफिनेशन होती है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये थी नॉर्मैलिटी। आपको मैंने एक फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया था इसका कि नॉर्मैलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी और इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बन जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बच्चों ये फॉर्मूला तो है मोलैरिटी का, इसको वैलेंसी से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी मोलैरिटी। अब कई बच्चों को जो है वो इस वर्ड में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब यहां पर क्या है, तो पहले आप ये समझ लीजिए वैलेंसी हम किसको बोल रहे हैं। यहां पर वैलेंसी का मतलब है एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब ये एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है,
किसी भी केमिकल सब्सटेंस के डिसोसिएट होने पर उसमें से कितने H प्लस आयंस रिप्लेस हो सकते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आयंस दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं HCl, HCl जब टूटता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो एक H प्लस आयन हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी होगी 1। H2SO4 ये जब डिसोसिएट होता है तो ये दो H प्लस आयन रिलीज करता है, तो इसका मतलब इसके अंदर बेसिसिटी होगी 2। HNO3 ये जब डिसोसिएट होगा तो ये एक H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी हो गई 1। H3PO4 ये जब डिसोसिएट होगा तो ये 3H प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी हो गई 3। H3PO3 अब देखो ये एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट थे लेकिन ये रिलीज करता है सिर्फ 2H प्लस आयन, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। तो बेसिसिटी में आपको क्या करना है, बेसिसिटी में आपको ये याद रखना है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितने H प्लस आयन रिलीज करता है जब उसको पानी में डाला जाता है तब। इसका अगर आपको नॉलेज है तो आप बेसिसिटी जो है वो इजीली बता सकते हैं। अब देखो बच्चों एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी आती है बेस के केस में, देख लो उल्टा रिलेशन है यहां पर, बेसिसिटी जब वर्ड आया तो हमने बात की एसिड्स की, H प्लस जो है वो हटाना है, एसिडिटी जब वर्ड आएगा तो हम बात करेंगे बेसिस की। बेस जो होते हैं वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, तो अब यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एनी केमिकल सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। जैसे कि NaOH, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस जो है कितने प्रोड्यूस हुए यहां पर, एक, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी बोली जाएगी 1। ऐसे ही CaOH होल ट्वाइस, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा 2, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी हो गई 2। ऐसे ही यहां पर MgOH होल ट्वाइस, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा 2OH नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी हो गई 2। AlOH होल थ्राइस, ये जब डिसोसिएट होगा ये प्रोड्यूस करेगा 3OH नेगेटिव आयंस, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी हो गई 3। तो इस तरीके से आप एसिडिटी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, अगर आपको ये पता है कि वो कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर डाल के डिसोसिएट होने पर। तो ये हो गया एसिडिटी और बेसिसिटी। अब देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ ऐसे केमिकल्स दे दिए जाते हैं जिनमें ना तो H प्लस होता है ना OH माइनस होता है, लेकिन वहां पर भी हमसे नॉर्मैलिटी पूछी जाती है। जैसे तुम्हें दे दिया KCl, KCl एक सॉल्ट है, ना तो इसके अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट है ना इसमें OH माइनस है, तो यहां पर ना तो एसिडिटी वर्ड यूज किया जा सकता ना यहां पर बेसिसिटी वर्ड यूज किया जा सकता, तो यहां पर हम बोलेंगे वैलेंसी। वैलेंसी कैसे बताते हैं इसकी, तो देखो बच्चों इसको आयंस में डिसोसिएट करके लिख दो, तो K प्लस और Cl माइनस। अब ये देखो इसके अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू देखनी इन दोनों में से। तो जैसे कि यहां पर प्लस वन आया यहां पर माइनस वन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ पोटेशियम और क्लोरीन के बीच में, इसलिए ये प्लस वन और ये माइनस वन चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी जो आएगी दैट विल बी 1, वैलेंसी होगी 1। देखो दूसरा MgCl2, यहां पर भी हाइड्रोजन और OH नेगेटिव नहीं है तो ये भी डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और वो दो इलेक्ट्रॉन्स किसने एक्सेप्ट किए, क्लोरीन के दो अलग अलग एटम्स ने, और क्या बनाया Cl नेगेटिव, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आई चार्ज की 2, तो यहां पर वैलेंसी हो जाएगी 2, ये हो गई 2। ऐसे ही एक और ले लेते हैं AlCl3, ये डिसोसिएट होगा तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस। अब यहां पर भी देखो एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, वो तीन इलेक्ट्रॉन्स किसने एक्सेप्ट किए, क्लोरीन के तीन अलग अलग एटम्स ने एक्सेप्ट किए, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वैलेंसी हाईएस्ट चार्ज कितना आ रहा है 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आपको एसिड्स बेसिस या सॉल्ट के केस में वैलेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। एसिड के केस में हाइड्रोजन देखोगे कितने रिलीज हो सकते हैं,
बेस के केस में आप OH नेगेटिव देखोगे कितने रिलीज हो सकते हैं, और सॉल्ट के केस में ये देखोगे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जिसमें नॉर्मैलिटी हमने कैलकुलेट की है। क्वेश्चन देखो, लिखो बच्चों, कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ obtained by adding 9.8 gram H2SO4 to prepare 100 ml solution। सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड कर रहे हो और 100 ml solution बना रहे हो, तो वाटर लिया, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल से 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसमें ट्रांसफर किया और आपने बना ली एक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है आपको 100 ml। अब आपको ये बताना है इस सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी कितनी होगी। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अभी बताया था आपको कैसे डिसोसिएट होता है, 2H plus and SO4 2 minus, तो 2H plus प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी हो गई 2, तो बेसिसिटी का मतलब इसकी वैलेंसी। गिवन वेट कितना दे रखा है हमें 9.8, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 98 ग्राम, तो यहां पर हम रखते हैं 98 इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 2 नॉर्मल। तो नॉर्मलिटी आ गई हमारे पास 2 नॉर्मल। तो इस तरीके से हम नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए ये बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2SO4 का, तो ये जो 2 लिखा हुआ था यहां पर वैलेंसी को, इसको यहां लिख देना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने पिछली क्लास में, तब भी तुम्हें ये बात बताई थी, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो 98 divided by 2 that is 49 gram is the gram equivalent weight of H2SO4। तो कई बार equivalent weight भी calculate करवा लेता है तुमसे किसी chemical के, तो equivalent weight जो होता है वो molecular weight upon valency ही होता है। तो ये हो गई हमारी normality की calculation। अब देखो इसी question में तुमसे क्या देगा, calculate the normality and molarity। आपने normality calculate कर ली, normality कितनी आई 2 normal। अब आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी भी बताओ, तो मोलैरिटी कैसे बता सकते हो, सॉल्यूशन की रिलेशन हमें पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी। नॉर्मैलिटी कितनी आ रही है 2, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई यहां पर 1 molar। तो मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की 1 molar रहेगी और नॉर्मैलिटी इस सॉल्यूशन की 2 normal आएगी। तो ये हो गई प्रॉब्लम नॉर्मैलिटी की। आपको जो है वो एक और प्रॉब्लम दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करके देख लेना और इसका आंसर मैं जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन आपको दे दिया, कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ a solution obtained by mixing 10 gram of calcium carbonate to prepare 250 ml of solution। ये प्रॉब्लम है बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर जो है वो बताना है। अब हम आ जाते हैं हमारा अगला जो टर्म था मेथड टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन में। पाइप
पार्ट्स पर मिलियन। कुछ बच्चे जो है वो बार बार ये बोलते रहते हैं कि हमें ये डेफिनेशन जो है वो समझ में नहीं आती, तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ आज यहाँ पर इससे रिलेटेड। पहले तो इसकी डेफिनेशन जो है वही हम रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10^6। मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया था कि 10^6 ग्राम सॉल्यूशन अगर ले ली जाए तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम ppm। अब देखो बच्चों यहां पर यही चीज जो है वो मैंने ऐसे लिख रखी है। अब आपको मैं इसका मतलब समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक रिवर है और ये रिवर किसी इंडस्ट्रियल एरिया से होके गुजरती है। अब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है, बहुत सारा गंदा पानी जनरेट होता है। ये गंदा पानी जो है वो ज्यादातर नदियों के अंदर डंप कर दिया जाता है, तो एक हार्मफुल केमिकल जो है वो इस नदी के पानी के अंदर हमने मिक्स कर दिया। ये केमिकल था मरकरी। तो मरकरी जो है पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट बनाने के लिए हमने मरकरी को एज अ वेस्ट पानी के अंदर मिक्स कर दिया। और ये पता लगाने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया के अंदर एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पॉल्यूशन लेवल्स चेक करती है एयर के वाटर के, तो इन्होंने जब उस रिवर से एक सैंपल कलेक्ट किया तो इन्होंने अपने सैंपल में 1 लीटर पानी लिया। उस नदी से 1 लीटर पानी का सैंपल इन्होंने कलेक्ट किया और उस 1 लीटर पानी को जब इन्होंने एनालाइज किया तो इनको ये पता चला कि इस 1 लीटर पानी में ये जो मरकरी था ये कितना था, ये था यहां पर सपोज 5 ml। मरकरी लिक्विड होता है बच्चों, तो मरकरी जो है उसकी वॉल्यूम भी आ जाती है और उसका जो है वो वेट भी आ सकता है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि 1 लीटर पानी लिया गया था और इस 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml मरकरी जो है वो हमें मिला। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये पॉल्यूशन बताओ कितने लेवल का है, तो इसको हम पॉल्यूशन को रिपोर्ट करेंगे ppm में। कैसे रिपोर्ट करेंगे, देखो 1 लीटर पानी का मतलब कितना हो गया 1000 ml वाटर। ये वाटर कहां से आया, रिवर से। इसमें कितना मरकरी है, 5 ml मरकरी। क्लियर, तो 1 ml वाटर के अंदर कितना मरकरी हो जाएगा, 5/1000 और 10^6 ml में कितना मरकरी हो जाएगा, 5/1000 × 10^6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 6 कैंसिल हो गए, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5000 ppm। ये उस पॉल्यूशन का लेवल था। इस तरीके से हम निकालते हैं ppm को। ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ये यूनिट वॉल्यूम में भी हो सकती है मतलब ml में भी, और ये यूनिट मास में भी हो सकती है दैट इज ग्राम में भी। ये तो प्रॉब्लम थी एक वॉल्यूम की, ऐसे ही मैं अब एक ग्राम की पॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो तुम्हें समझा देता हूं। हम सॉइल पॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन को जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज होने के कारण किसी खेत के अंदर जो है वो सॉइल पॉल्यूशन हो गया। और इस सॉइल पॉल्यूशन के लेवल को कैसे नापा गया, उस खेत में से 1 किलोग्राम मिट्टी को उठाया गया, सैंड को उठाया गया, और इस सैंड में ये पाया गया कि इसके अंदर जो है वो फॉस्फोरस मेटल जो है वो ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। अब ये फॉस्फोरस एलिमेंट जब डिटेक्ट किया गया तो इसकी अमाउंट हमें मिलती है 60 मिलीग्राम। 60 मिलीग्राम सैंपल मिला हमें फॉस्फोरस का इस 1 किलोग्राम मिट्टी के अंदर जो उस खेत से कलेक्ट की गई थी। अब मुझे इस पॉल्यूशन लेवल को क्या करना है, ppm में रिपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस 60 मिलीग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1000 ग्राम के अंदर फास्फोरस कितना प्रेजेंट था, फास्फोरस इज 60 मिलीग्राम, तो इसको ऐसे लिखो गया 1000 ग्राम सैंड के अंदर फास्फोरस कितना है, 60 मिलीग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 × 10^-3 ग्राम,
एक में कितना होगा और 10 की पावर 6 ग्राम में कितना होगा, आंसर आ गया 60 ppm। तो इस तरीके से हम वेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं।